ऑल राइट देखो यहाँ पे देखो, ये सिक्स ऑफ वॉन्ड है ना, ये बिफोर टैरो है, यानी कि जो यूजुअल टैरो डेक की सिचुएशंस होती है ना, उसके पहले की सिचुएशंस ये हमें कार्ड्स बताते हैं। यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में क्या है, ये उल्टा आया है। वैसे यहाँ पे कहीं कुछ है जहाँ पे दोनों कपल में, दोनों इस कपल में कहीं मिसअलाइनमेंट है, ओके। और इस तरह की एनर्जी है कि बंदा कहीं जाना चाहता है, ओके, एंड शायद बंदी नहीं चाहती कि वो जाए उसको छोड़ के या कहीं। देखो यहाँ पे बंदे की एनर्जी फोकस है वेल्थ क्रिएशन पे, ठीक है, हालांकि ये इससे बहुत हग कर रही है, बट ये बंदा उसको हग कर रहा है, बट उसकी नजर वहां पे है। यहाँ पे अगर देखो तो हमें क्लैरिफायर मिल रहा है कि ये बंदा कहीं जाना चाहता है, मे बी वो आउटसाइड इंडिया जाना चाहता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, पर कुछ तो है, टू ऑफ वॉन्ड्स, वो कहीं कुछ डिसीजन करके आगे जाना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ये यहाँ पे जो हमने देखा कि उसकी नजर किसी बिगर गोल पे है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, यहाँ पे भी देखो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ही इज एमिंग हाई, ही इज बीइंग एम्बिशियस, ही वॉन्ट्स मोर, और उसका फोकस वहां पे है। और हो सकता है कि बंदी, और बंदी का फोकस हमने देखा किस पे है, उसके सर पे क्या लटक रहा है, या फिर उसके सर पे क्या है, रोज है, यानी कि रोज का बड है एक्चुअली, यानी कि वो अपने रिलेशनशिप को सोच रही है, बड का है रोज, दिस इज नॉट अ प्रॉपर फुल होल रोज, इट इज अ बड ऑफ द रोज, यानी कि शी इज कंसर्न अबाउट हर रिलेशनशिप, कि अगर मान लो ये चला जाता है तो रिलेशनशिप का क्या, जो हमारे रिलेशनशिप को टाइम चाहिए ग्रो करने के लिए, क्या वो ग्रो कर पाएगा, इस तरह की कुछ चिंता हो सकती है कि उसको हो। अभी यहाँ पे क्या है, ऑल राइट, ओके ओके, द सेम थिंग गाइज, यहाँ पे जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना, जो मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप में कोई सिचुएशन है जो बहुत एक्सट्रीम हो रही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अभी क्या बैलेंस बिगड़ा हुआ हो सकता है, ये जो बंदा है, हो सकता है ही इज बींग वेरी एग्रेसिव अबाउट समथिंग, ओके, और ये बंदी सोच रही है, जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हो ना, ये स्ट्रेंथ कार्ड के पहले का सिचुएशन है यहाँ, और ये स्ट्रेंथ कार्ड के पहले का सिचुएशन में क्या है, स्ट्रेंथ कार्ड का जो रियल सिचुएशन होता है, जहां पे इस बंदी ने इस फिरोशियस लायन, वाइल्ड लायन को टेम कर लिया है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूं कि बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में, और यहाँ पे वही स्ट्रेंथ के पहले का कार्ड है जहां पे लायन अभी टेम्ड नहीं है, इसीलिए अनबैलेंस है सिचुएशन, क्योंकि तो फिर हो सकता है कि, और क्योंकि ये लायन का कार्ड है और लायन इज अ लियो, लियो में बहुत ईगो होता है, तो क्वाइट पॉसिबली ये जो बंदा है बहुत अपने ईगो में है, एंड ही इज बीइंग वेरी एग्रेसिव आल्सो, और ये कहीं ना कहीं ये सोच रही है, यहाँ पे भी देखो अब वो सर झुका के सोच ही रही है कि कैसे इसको टेम किया जाए, या मोर इम्पोर्टेंटली कैसे इसको समझाया जाए कोई भी चीज, तो ये सिचुएशन बनी हुई है। सो दिस गाय इज बीइंग वेरी एग्रेसिव, ही इज एन ईगो, एंड ही इज मोस्टली यू नो बींग वेरी एग्रेसिव विद द गर्ल, एंड द गर्ल इज लाइक हाउ कैन आई मेक हिम अंडरस्टैंड, समझ में आया ना आपको। और इसी तरह से क्योंकि ये बहुत ईगो में है, एग्रेसिव है, तो इसका सेल्फ इम्पैक्ट, सेल्फ इस्टीम इम्पैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जस्टिस का कार्ड देखते हैं कि क्या है जस्टिस, अगर यहाँ पे वही है कि अगर ये कंटिन्यू करता रहा इस तरह से एग्रेसिव बनना, तो ये फाइनली रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इसका सेल्फ एस्टीम तो इम्पैक्ट हो ही रहा है बुरी तरह से। अब ये जस्टिस का कार्ड उल्टा है, एंड दिस इज बैक्ड बाय व्हाट, नाइन ऑफ वॉन्स, ओके, तो इसका मतलब हाँ भाई बिल्कुल वही सही है, नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड क्या होता है, एक वुंडेड वॉरियर का कार्ड होता है, जो कि ऑलमोस्ट अपने पेशेंस खो चुका है वो, और वो एक स्टेप भी ले नहीं पाएगा, और उसके पहले क्या कार्ड है, और यहाँ पे देखो ये फिरोशियस लायन फिर से यहाँ पे फिरोशियस वाइल्ड एनिमल आ गया है, और इसीलिए शायद मैंने पिक किया कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना, इसका एग्रेसिवनेस, या फिर इसका जो एक ईगो है, मेल ईगो है, जो बार बार इस पे चिल्लाता है, और बहुत ही एक, व्हाट वाज द वर्ड दैट आई वांट टू टेल, बहुत ही, देर वॉज अ वर्ड दैट आई गॉट इन माई माइंड, बहुत ही बहुत ही अनरियलिस्टिक, या नॉट अनरियलिस्टिक, बहुत ही, ही बिकम्स वेरी इनकंसिडरेट, तो
तो यहाँ पे भी देखो जो है ये बंदी जो है इस फिरोशस लायन इसकी इस बिहेवियर से शी इज काइंड ऑफ वेरी टायर्ड ऑल्सो, और शायद इसीलिए वो यहाँ पे इतना सोच रही है और स्ट्रेस में है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका बिहेवियर जो है इसके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपनी मैजिक को ये डाउट करने लगी है, इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, विच इज डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल. और स्ट्रेस तो रिलेशनशिप में यहाँ पे फिर से इसको बनाया हुआ है. तो बेसिकली ये बंदी सोच रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसको बहुत प्यार कर रही है, बड है, वो अपने रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहती है फ्रॉम बड टू अ प्रॉपर रोज का फ्लावर, बट इसका बिहेवियर अनरूली, यस अनरूली इज द वर्ड, अनरूली बिहेवियर है इसका, है ना. तो द थिंग इज कि वो ये भी सोच रही है कि इसका जो इस तरह का बिहेवियर है वाइल्ड बिहेवियर हो गया है, और ये काफी दिनों से ऐसे चल रहा है, ये कब तक चलेगा, मैं कब तक इसको टॉलरेट कर पाऊंगी, या फिर कब तक आई कैन पुट अप विद दिस अनरूली बिहेवियर, है ना. तो ये इसीलिए वो यहां पे सोच रही है कि क्या ये रिलेशनशिप में कभी चीजें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, या फिर इसका अनरूली बिहेवियर, ये वाइल्ड बिहेवियर हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा. तो इस तरह की चीजें कुछ हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है. व्हाट कैन बी द गाइडेंस फॉर दिस गाय, लेट्स फाइंड आउट गाइडेंस फॉर दिस गाय, क्योंकि ये दोनों गाइडेंस तो डेफिनेटली लड़की से ही मैच हो रहा है, लड़के के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है हमें. ओके सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, ये किसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग में क्यों आया है, नो व्हाई इज बीइंग नेगेटिव. फ्लो विथ वॉट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, या यहाँ पे ये फाइट ही कर रहा है ना इससे, ये फाइट कर रहा है इससे, पता नहीं क्यों. हाँ हो सकता है कि कोई नेगेटिव थिंकिंग इसके दिमाग में बैठी हुई है और इसके कारण ये इसे फाइट कर रहा है. पढ़ लेते हैं. फ्लो विथ वॉट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, वेन यू कैनॉट चेंज अ सिचुएशन कंपैशनेटली एक्सेप्टिंग इट एग्जैक्टली एज इट इज विल ब्रिंग यू पीस. और बिसाइड्स ये बंदा कोई नेगेटिव चीज को सोच के फाइट कर रहा है. यू हैव कंट्रोल ओवर द थॉट्स, वेन नेगेटिव थॉट्स सरफेस से थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड क्विकली रिफोकस. तो कोई चीज नेगेटिव दिमाग में इसके बैठा है इस बंदे से, उसके कारण ये अपने ईगो में है और उससे फाइट कर रहा है, कुछ इस तरह की फाइटिंग चल रही है. तो आपको रिलेशनशिप डायनामिक्स अच्छे से समझ में आ गया है ना. तो मैं एक बंदी के लिए सजेशन ले लेती हूँ, प्रणाली के लिए क्या मैसेज आएगा, पास्ट लाइफ. देखो प्रणाली का है डोंट बैक डाउन, द पास्ट लाइफ द सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज. तो कुछ तो पास्ट लाइफ का चीजें हो सकती हैं कि हो यहां पे, यानी कि समथिंग रिलेटेड विद पास्ट लाइफ. ओके बट यहां पे उसका इंपॉर्टेंट मैसेज है डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इज राइट. क्योंकि हमने क्या क्या देखा है, कोई किसी के सेल्फ स्टीम को इम्पैक्ट कर रहा है. यहाँ पे देखो हर चीज बहुत स्टोरी की तरह फ्लो कर रही है, कोई अननेसेसरीली एग्रेसिव हो रहा है, ईगो में है, लायन इज ऑल अबाउट ईगो, लियो. कोई यहाँ पे उसकी अनरूली बिहेवियर बहुत दिन से टॉलरेट कर रहा है, और बहुत दिन से टॉलरेट कर रहा है इसीलिए क्या होता है कि जब हमको बहुत लोग नेगेटिव ही बात बोलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं, हम अपने आप पे विश्वास करना बंद कर देते हैं. तो मैंने बताया ना कि ये जो भी सिचुएशन है, जो इसका एग्रेसिव होना है, लायन की तरह बिहेव करना है, मेल ईगो में आना है, दूसरों के सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचाना है, तो शी इज थिंकिंग कि हाउ लॉन्ग विल दिस टेक इट, क्या कहीं ये रिलेशनशिप को ही इम्पैक्ट ना कर जाए, जो कि वो नहीं चाहती है. लेकिन उसका गाइडेंस, और एंड दिस गर्ल इज टेकिंग लॉट ऑफ शिट फ्रॉम दिस गाय आई थिंक, इसीलिए उसका आया है डोंट बैक डाउन, तुम अपनी मैजिक को मत खो, तुम अपने सेल्फ इम्पैक्ट को इसके रूली अनरूली बिहेवियर से इम्पैक्ट, यू कैन क्लियरली सी दैट ही इज बीइंग वेरी एग्रेसिव एंड इगोटिस्टिक. तो उसको बोला गया है कि नहीं तुम इसके सामने झुको मत, यू स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन राइट. और अपनी उसकी अनरूली बिहेवियर, अनरियलिस्टिक बिहेवियर, इगोटिस्टिक बिहेवियर से तुम अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने दो, तुम अपनी मैजिक को मत डाउट करो. समझ में आ रहा है ना. तो ये सी चीजें हैं. तो दिस इज द गाइडेंस फॉर दैट. और बंदे का गाइडेंस तो है ही कि आप अपना नेगेटिव बिहेवियर को ठीक करिए, और किसी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत से ज्यादा कोशिश मत करो. तो
तो नेगेटिविटी से इंस्पायर्ड होकर ये बंदा कुछ कर रहा है. सो आई होप कि आपको हर्षाली की रिलेशनशिप डायनामिक्स अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस. ओके, सो इफ यू लाइक द गाइडेंस, शेयर योर थॉट्स एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द अनदर गाइडेंस. बाय फॉर नाउ.